शासक होता है और जनता की गाड़ी कमाई जो कई रास्ते से होकर सरकारी खजाने में जमा होता रहता है, जिसे सरकार देश के विकास में गांव से लेकर शहर तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खर्च करती है। लेकिन यही लोग चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि के रूप में जब शासक बन जाते हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर जनता की गाड़ी कमाई को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि के द्वारा सरकारी धन को बड़े पैमाने पर लूटने का मामला सामने आया है। हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा विकासखंड के गांव गवनरिया बगुलहा के। यहां पर महिला ग्राम प्रधान के पति दिलीप यादव के ऊपर यहां के ग्रामीणों द्वारा मनरेगा के तहत पुल तथा शौचालय निर्माण, सोलिंग लगाने, मिट्टी पटाई आदि के नाम पर लाखों रुपए सरकारी धन गोलमाल करने का आरोप लगाया है। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के हर घर में करीब 300 शौचालयों का निर्माण होना है, जिसके लिए केंद्र सरकार का हर लाभार्थी को 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान के मार्फत दे रही है। लेकिन यहां के प्रधान प्रतिनिधि बिचौलिए के जरिए मानक विहीन शौचालय के कार्य कराते हुए लाखों रुपए सरकारी धन को डकारने में लगे हुए हैं। इसके अलावा गाँव के सड़कों पर 2 पुल का निर्माण भी हो रहा है, उसमें भी प्रधान पति द्वारा लाखों रुपए डकारा जा चुका है। मिट्टी पटाई, सोलिंग लगाकर सड़क निर्माण आदि के नाम पर भी कई लाख रुपए सरकारी धन को लूट कर यहाँ ग्राम प्रधान पति खुद का विकास कर रहा है। शौचालय घोटाले का यह मामला मीडिया के जानकारी में आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों की कड़ी नींद टूटी है और आनंद फानंद में जांच करने पहुंच गए। मानक विहीन कार्य को देखकर एडीओ पंचायत पचपेड़वा राधेश्याम ने कई शौचालयों को रिजेक्ट करते हुए उसके भुगतान पर रोक लगा दिया है। मुख्य विकास अधिकारी बलरामपुर तथा खंड विकास अधिकारी पचपेड़वा वेद प्रकाश मौर्य ने कहा कि शिकायत मिली है, इन सभी कार्यों को जांच कराकर उचित कार्रवाई किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राम निवास। कौन सा गाँव है? ग्राम गनोरिया। ये आपका शौचालय बन रहा है? हाँ। कैसा बन रहा है? ये प्रधान द्वारा सरकारी योजना है। हाँ। जिसमें आप पीला ईटा दे रहे हैं। हाँ। गड्ढा हम ही खने हैं। हाँ। मजदूरी भी नहीं उसका दिए हैं। हाँ। 10 एक के मसाला लगाओ थे। हाँ। उकरे बाद में हर टेक लाग है। अच्छा, टेक क्यों लगाए हैं? दीवाल गिरत है। गिर रहा है। हाँ। और 4 इंची के दीवाल है, ना पावा है, ना कुछ है उपहर। हाँ। अब यही ऊपर छत ढारे सोचे थे। अच्छा, आज के डेट में छत ढार दिन जाए, काल गिर जाए, लड़के बच्चे मर जाए, तब के साहब क्या करा दे। ने बनाया करीब 3 लाख का है इसमें। अच्छा, 3 लाख। हाँ, मानक क्या है? मानक मतलब 1-4 का रेशियो में टाइल होनी चाहिए, उसके नीचे पीसीसी है, दीवार की भी है, 2 मीटर स्पान की पुलिया है, आरसीसी भी है। उसका बुनियाद कितना गहरा होना चाहिए? बुनियाद 1 मीटर होना चाहिए गहरा। चौड़ाई कितना होना चाहिए बुनियाद की? जी, बुनियाद के हमें 2 मीटर से ज़्यादा की है बुनियाद। अच्छा, तो भाई ग्रामीणों का आरोप है कि वो मानक के बिल्कुल विपरीत बन रहा है। इसमें तो देखना पड़ेगा, देखें बताएं क्या है। बिल्कुल मानक के विपरीत बन रहा है, 2 दर्जे की ईंटें लगे हुए हैं और अवैध खनन, पड़ोस के नालों का बालू लग रहा है, सरकारी धन को लूटा जा रहा है उस पुलिया के मार्फत। क्या कहेंगे आप? अच्छा, देख लेते हैं क्या है, कैसे बताते हैं। गनवरिया की जो शिकायत है वो तहसील दिवस में भी आई थी तुलसीपुर में, तो उसको जांच के लिए दिया गया है। जैसे भी जांच आख्या आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले गैसड़ी गांव की शिकायत थी, उसमें काफ़ी शौचालय नहीं बने थे, तो बाद में अब उनको निर्माण कराया जा रहा है ग्राम प्रधान द्वारा। तो जहां भी कहीं शिकायत आएगी तो कार्रवाई की जाएगी।